वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कारण ये आमर जिंक सल्फाइड अर्थात सल्फाइड धातु पिंडटी को एठी ऑक्सीजन संयोग करा जाउची जहा तबर ये ऑक्सीजन नेला परे जाकी से कोन होउची ना आमर जिंक ऑक्साइड रे परिणत होउची तनो आमर ताप शोषी कोन कह जाय एटा आमर ताप उत्पादी हेबो ना समतलटा ये तमर हला आपादित रश्मि एटा हला तमर प्रतिफलित रश्मि एला तमर अभिलंब से कौन कहला प्रतिफलित रश्मि यहाँ तुम प्रतिफलित रश्मि एवं अभिलंब मध्यस्थ कोण यहाँ तुम अभिलंब यही मध्यस्थ कोणटा को कौन कह प्रतिफलन कोण। दुई नंबर समतल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंब सर्वदा डैश होता है। समतल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंब सर्वदा कौन हम ना आभासी सड़ख। तीन नंबर निम्नोक्त कहार एकक नहीं देख प्रथम देला कौन ना प्रतिबिंबर परिवर्धन परिवर्धनटा तुम हूँ एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच तेने तुम प्रतिबिंबर उच्चतार तुम धर सेंटीमीटर कि मीटर जहाँ भी तुम एकक रुम वस्तुर उच्चतार एककटा सेम रहा कटिज तेणु एम तेल प्रतिबिंबर परिवर्धन तुम एकक ना यदि लेंस पावर कह लेंस पावर एककटा तुम कौन आसला ये डायप्टर प्रतिबिंबर उच्चतार तुम तो निहाती मीटर कि सेंटीमीटर जहाँ रलोकर बेगड़ा तुम मीटर पर सेकेंड कि सेंटीमीटर पर सेकेंड तुम रहीपे तेल आंक मधुर कहार तेल एकक ना प्रतिबिंबर परिवर्धन। चारि नंबर गोटे लेंस पावर टू डायप्टर हेले यार फोकस दूरता डेढ़ सेंटीमीटर हे लेंस पावर पीटा तेल के टू डायप्टर हेले यार फोकस दूरता आम जाने पी इज इक्वल टू वन बै एफ एफ इज इक्वल टू वन बै पी सामान के ना वन बै टू वन बै टूटा तुम कौन है ना जीरो पॉइंट फाइव मीटर से आमको कौन कही फोकस द्वारा कैसे सेंटीमीटर हे सेंटीमीटर कहले जीरो पॉइंट फाइव इंटु शहे सामान फिफ्टी सेंटीमीटर। पांच नंबर जलर प्रतिश्रणाक के जलर प्रतिश्रणाकटा हो वन पॉइंट थ्री थ्री। छ नंबर तापर एसआई एककटा कौन अटे तापर एसआई एककटा हूँ जूल। सात नंबर एक विद्युत परिपथरे टू ओम तीनोटी प्रतिरोध पंक्ति संयुक्त हेले तेल तीनोटी प्रतिरोध तुम पंक्ति एमती संयुक्त होती है समतुल्य प्रतिरोध के हम ये भी टू ओम ये भी टू ओम ये भी टू ओम पंक्ति संयोग मैंने सबुटा मिसीज मिसीगल के सिक्स ओम। आठ नंबर एक यूनिट विद्युत शक्ति सामान डैश एक यूनिट इज इक्वल टू वन किलोवाट आवर गोटे किलोवाट इंटु वन आवर गोटे किलोवाट आम हो कौन हजार व्वाट इंटु वन आवर है तुम के छत्तीस सेकेंड सामान तुम यहाँ के थ्री पॉइंट सिक्स इंटु टेन टू दि पावर सिक्स जूल बा जदि आम थ्री पॉइंट सिक्स जदि न रखा तो यह कौन हम ना छत्तीस इंटु टेन टू दि पावर फाइव जूल। देख ऑप्शन ने ये दुटा मधुर कौटा अच्छी यहाँ अच्छे देख छत्तीस इंटु टेन टू दि पावर फाइव जूल बुझेगा। नौ नंबर यही परिपथर समूह प्रतिरोध केते बर्तमान देख करेन्ट आईपटे जापटे जो करेन्ट गला आई परिमाण करेन्टा गला बर्तमान देख ये दी भागला एपटे भी जापटे भी जापटे तुम आई वन करेन्ट गला एपटे तुम आई टू करेन्ट गला तेल यही प्रतिरोध पाखु तुम आई टू करेन्ट तेल तुम यहीटा को आसला प्रतिरोध को तुम आसला आई टू करेन्ट यही प्रतिरोध को कि करेन्ट ना से आई टू करेन्ट तेल यही दुटा प्रतिरोध बर्तमान तेल कि संयोग में जीव ना ये दुटा प्रतिरोध आम बर्तमान कि संयोग गला ना पंक्ति संयोग तेल एम समूह प्रतिरोध के यार समूह प्रतिरोध आम आर वन धरले तेल यहाँ समूह प्रतिरोध तेल के टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ओम बर्तमान यही प्रतिरोध एवं यही प्रतिरोध बर्तमान
କି ସଂଯୋଗ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ତୁମର ଆସୁଛି ଆଇ ୱାନ୍ କରେଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ତୁମର ଆସିଲା ଆଇ ଟୁ କରେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଏଇ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧଟା କେଉଁ ସଂଯୋଗରେ ରହିଲେ ନା ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ମାନେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧଟା ଯଦି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଏ କେତେ ହେଲା ନା ଟୁ ଓମ୍ ତୁମର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏମାନଙ୍କର ସମୂହଟା କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଚାରି, ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ଆସିଲା ଚାରି, ତାହେଲେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍, ତାହେଲେ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଓମ୍, ବୁଝିହେଲା। ଦଶ ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଗତି କଲେ ପ୍ରୋଟନ୍ର କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଟନ୍ର ପରିବେଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଗାର ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଓର୍ଷ୍ଟେଡ଼। ବାର ନମ୍ବର, ଶରୀର ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ବା ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ ବା MRI। ତେର ନମ୍ବର, ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୁମିନିୟମର ଠିକ୍ ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୌଳିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଗାଲିୟମ। ଚଉଦ ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଲୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି? ହେଲୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ନମ୍ବର ସତରରେ ଅଛନ୍ତି। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କେଉଁ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମର ହେଲା ଦୁଇଟି ମୌଳିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ଆଠଟି, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ଆଠଟି, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ଅଠରଟି, ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଛି ଅଠରଟି, ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ବତିଶଟି, ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ବତିଶଟି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ ତ ଆଠ ଆଠ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ କହିଲା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ତ ଅଠର ଅଠର ଅଛି, ଇଏ ବି ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ କହିଲା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ତ ତୁମର ବତିଶ ବତିଶ ଅଛି, ଇଏ ବି ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ କହିଲା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖ ଆଠ ଆଉ ଅଠର ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଷୋହଳ ନମ୍ବର, କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, କପର ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ। ଏଠି ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା କପରକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଜାରିତ ହେଉଛି, ଏଚ୍ ଟୁଟା ଏଚ୍ ଟୁ ଓକୁ ଜାରିତ ହେଉଛି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରତିକାରକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଏଠାରେ ବିଜାରିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଜାରିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତୁମର କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ହେବ ନା ଜାରଣ ବିଜାରଣ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପଟାସିୟମ, ସୋଡ଼ିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଜିଙ୍କ, ଆଇରନ୍, ଲେଡ଼, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, କପର, ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତୁମେ ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା ତୁମର କପରର ଉପରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା ଏଠି କପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ତୁମର ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଏଠି ତୁମର ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେବ, ବୁଝିଲା। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅ, ଆନ୍ସର୍ ପଛରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଟାକୁ କର। କନସେପ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଠି ଏଇଟାରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି। ସତର ନମ୍ବର, ପ୍ରସମଲିକରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଡେସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖ ଏକ ପ୍ରସମଲିକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଦେଖିବା, ଦେଖ ପ୍ରସମଲିକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ତୁମର ହୁଏ ସେଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ପ୍ରସମଲିକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗୋଟେ କ୍ଷାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼
प्लस समधुर आम कहले कौन ना एच सी एल तेल ठीक से आम कौन दे एन ए सी एल प्लस एच टू ओ है लक्ष्य कर एन एटा को आम लिखिपर कौन ए बि प्लस एच एल टाक लिखे आम कौन सी डी तेल एटी देखो सी आम कौन देला ना ए डी प्लस बी सी तेल यहाँ तुम कि प्रतिक्रिया ना द्वैत विस्थापन अठर नंबर केवटी ठीक थ्री एफ प्लस फोर एच टू ओ एफ थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू एठार देख जलय बाष्पर विजारण ये जलय बाष्प कहीं कहला ये आम एफिटा रलीड स्टेट्रे एच टूटा रण गैसियो स्टेट्रे एफ थ्री ओ फोर यहाँ भी तुम रलीड स्टेट्रे एच टूटा रम गैसियो स्टेट्रे तो ये जलय बाष्प अर्थात एच टू ओर ये एच टू को कौन हो विजारण हो पुणी तरह लुहार जारण ये देख एफिटा एफ थ्री ओफोर को कौन हो जारित होती ये उत्तर भी ठीक रहा उत्तर भी ठीक रहा तापर कहला एच टू एक जारण रूपे कार्य कर जारण नुहे जारक एच टू एक जारक रूपे कार्य कर जारक आम क्या कह जार विजारण हुए आम कौन कह जारक है ये एच टूटा तुम ये कौन हो विजारित होती एच टूटा तुम ये कौन हो जारक सबुड़ा उक्ति तुम ठीक है तेल मोर एनसर तेल कौन हम ना समस्त उक्ति ठीक उन्नीस नंबर केवटी प्रस्तुति में क्लोरीन व्यवहार हुए ना जल विशोधक व्यवहार हुए पीवीसी व्यवहार हुए कीटनाशक व्यवहार हुए साबुन तुम व्यवहार हुए ना कोड़े नंबर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गरम कले निम्नोक्त केवटी उत्पन्न हुए ना आम जोबले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो उत्तप्त करवा कौन पाइबा ना सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सीओ थ्री प्लस सीओ टू प्लस एच टू ओ आम पाइबा तो एम देखो ये कौटा ना एन ए टू ओ यहाँ आम पाइबा ना एक नंबर केउ धातु जल सह अति तीव्र वेगर प्रतिक्रिया करे सोडियम एवं पोटासीयम एवं एमाने जल सह कौन करती ना बहुत तीव्र वेगर मैंने प्रतिक्रिया करती जहाँफल एमकर एत परिमाण ताप उत्पन्न हुए जे निर्गत होता उज्जान गैस निआ लग जाए तो आंसर कौटा हे पोटासीयम बैस नंबर केउ धातुर जल सह रासायनिक प्रतिक्रिया भिन्न धरण जौगिक उत्पन्न हुए देख ये तुम सोडियमटा जिते जल सह प्रतिक्रिया कर कौन दब तुमको ना तुमको दब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम जिते तुम जल सह प्रतिक्रिया कर कौन दब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम जिते जल सह प्रतिक्रिया कला कौन दब ये ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयरनटा जिते ये जल सह प्रतिक्रिया कर आयरनटा जल सह प्रतिक्रिया कर मैंने कौन सी बांफ सह प्रतिक्रिया कर तुम सोडियम आउ कैल्शियम यहाँ तुम थंडा जल सह प्रतिक्रिया कला बेलू मैग्नीशियमटा गरम जल सह प्रतिक्रिया कला लुहाटा तुम बांफ सह प्रतिक्रिया कर तेनाली लुहा जिते तुम आम एल्युमिनियम जिंक आउ आयरन एम जिते बांफ सह प्रतिक्रिया कर कौन देवे ना से धातव अक्साइड देवे तेमें ये तुम कब अक्साइडा दब ना एफ थ्री ओफर ये तुमको दब तेने ये तुम ये अलग जुगिक देला धातुर जल सह प्रतिक्रिया तुम देखी लिखाही थो धातुक्त जल धातव हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजेन पुणी लिखाही थो धातव अक्साइड युक्त जल धातव हाइड्रोक्साइड पुणी तुम देख जिते बांफ सांगे आठ कौन लिखाही ना धातुक्त बांफ आम को कौन दब ना तुमको दब से कौन ना धातव अक्साइड है तेईस नंबर केउटी धातुर प्रतिक्रियाशीलता सठिक क्रम देख ये आमको पोटासीयम मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन सोडियम एल्युमिनियम एगुड़ा सब देखे आम भितर क्रमटा लिखिद पोटासीयम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आउला कि आयरन आपको भी तो लक्ष्य कले आम कौटा पाइबा सी ऑप्शनटा पोटासीयम सोडियम कैल्शियम तापरे मैग्नीशियम चौबीस नंबर केउटे एक धातुर इलेक्ट्रॉन संरचना धातुर इलेक्ट्रॉन संरचना कहले आमर बाह्यतम कक्ष देख जार कम संख्यक इलेक्ट्रॉन थी आपको देख कहार बाह्यतम कक्ष कम संख्यक इलेक्ट्रॉन रही डी ऑप्शन लक्ष्य कर दुई आठ तीन यार कम संख्यक इलेक्ट्रॉन रही तेनालीराम तुम गोटे धातु हो पार पचीस नंबर सीओ टू अणु गठन पर कतोटी इलेक्ट्रॉन आवश्यक सीओ टू जो कहला तो लक्ष्य कर
CO2 टा केमिति ना कार्बन डबल बॉन्ड ओ एथि भी तमरा आसिला कार्बन डबल बॉन्ड ओ एरि केतेटा बंध हमरा आसिला चारटी बंध आमे जानिचे एकटी बंध केतेटा इलेक्ट्रॉन समान दुईटी इलेक्ट्रॉन तले चारटा बंध समान तमन केतेटा इलेक्ट्रॉन हबो 4 इनटू 2 समान 8टी इलेक्ट्रॉन। 26 नंबर स्ट्रोमार आकृति किपर होता है स्ट्रोमा नुहे यहाँ स्टोमाटा स्टोमाटा बा स्तोम स्टोमाटार आकृति तुम किपर ना बीन मंजी भाई। 27 नंबर अंतर अंक द्वारा खाद्यर अवशोषण पर यह रक्त द्वारा के अंशे पहुँचे जकृत। 28 नंबर पाकनली ग्रहणी परवर्त अंशटर ना कौन ग्रहणी परवर्त अंशर नाटा हूँ तुम जेजुनम। 29 नंबर कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया क्या साहय एंजाइम साहय। 30 नंबर द्विस्तर झिली अंतझिली मैट्रिक्स भितर को भांग ही पशि आसी थाए यह कौन कह जाए क्रिस्टी। 31 नंबर पेशीकोष में क्यों पदार्थ सृष्टि बाकुला होता है लाक्टिक अम्ल। 32 नंबर पृष्ठ कुक्ष पत्र है आंब पणस समद्विदल पत्र है धान गहम। 33 नंबर आम शरीर थिबा लसिकाफ लसिकार नोटा हो लसिकाफ अंग केउटी टनसिल। 34 नंबर हाइड्रा किपरी श्वासक्रिया करे विसरण प्रक्रिया रे। 35 नंबर कहार द्वार रे कौनसी प्रकार कपाटिका न थाए खाद्य नली। 36 नंबर केऊ पेशीर जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत अनवरत संकोचन प्रसारण घटिथाए हृत्पेशी। 37 नंबर सर्वजन ग्रहिता ए बी सर्वजन दाता ओ केऊ जातिर जीव द्वारा यूरिक एसिड वर्ज्य भाव निष्कासित हुए नाही आमर होगा कि स्तन्यपायी एम जो रही पक्षी सरीसृप पतंग एम सब यूरिक एसिड त्याग करती। 39 नंबर झाल चर्म मात्राधिक भिटामिन और भग्न आरबिक्स वर्णगणा डाला जकृत। 40 आमर जो पित्तरसरा जो खेरित हुए से पित्तसह एगुड़िक मिसी खाद्यनली मध्य को आसी थाए पर यह मल द्वारा निष्कासित होता है। 40 नंबर केउ हार्मोन रो अधिक क्षरण जो अतिकायुक्त देखा जाए ग्रोथ हार्मोन। उद्भिदर केउ अंशरे अनुकूल जानवर्तन देखा जाए अनुकूल जानवर्तन माने आमर जोड़ा पृथ्वीर केन्द्र आड़ किए जाए चेर ओ मूल। 42 नंबर प्रोलाक्टिन केउ ग्रंथि खेरित हुए प्रोलाक्टिन तुम पिट्यूटरी ग्रंथि खेरित हुए पिट्यूटरी तुम प्रोलाक्टिन हार्मोन खेरित हुए सीटा कौन कै ना स्तन्य ग्रंथि से प्रभाव पकाए यहाँ स्तन्य ग्रंथि खेरित हुए ना ये तुम स्तन्य ग्रंथि प्रभाव पकड़ द्वारा तुम सेठे कौन हुए ना शिशुपाई क्षीर तैयारी हुए है केतल ना प्रेगनेंसी समय रे कौन हुए ना पिट्यूटरी ग्रंथि तुम जो खेरित हे जो आम कौटा प्रोलाक्टिन हार्मोन जहाँ तुम स्तन्य ग्रंथि प्रभाव पकेब ए से कौन हम ना शिशुपाई क्षीर तैयारी हे जदि धर ये प्रश्न दे था प्रोलाक्टिन जगार जो कही था ऑक्सीटोसिन हार्मोन जदि ये कही था ऑक्सीटोसिन हार्मोन केउ ग्रंथि खेरित हुए से तुम कही था कि स्तन्य ग्रंथि से पारानी से कौन कह पिट्यूटरी कहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रभाव में कौन हुए क्षीर झरी थाए बुझेगा तेल एगुड़ा सब जी आम सब जो हार्मोन गुड़ा खेरित होधारण प्रोलाक्टिन हार्मोन हो ग्रोथ हार्मोन हो सब हार्मोन गुड़ा गुड़ा सब आम पिट्यूटरी ग्लैंड सब खेरित होट्यूटरी ग्लैंड रू खेरित होने निर्दिष्ट कार्यकारी मान जगार पहुँच सारापर से कार्यटा कर बुझेगा जिते बड़े पाटी क्षीर खायापी चेष्टा करते स्तन्य ग्रंथि थमर नर्वस गुड़िक स्नायुतंत्र गुड़िक कौन है ना से ब्रेन को गोटे सिग्नाल देवे से ब्रेन को जो सिग्नाल देवे कौन सिग्नाल देवे से ब्रेन को ना ब्रेन को सिग्नाल देवे से कौन ना प्रोलाक्टिन हार्मोन आउ ऑक्सीटोसिन हार्मोन टा सिक्रेशन करने बुझेगा। तेईस नंबर
ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଥିବା କେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏକ ଅଂଶ? ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆମର ବାହାରିଛି କରୋଟି ସ୍ନାୟୁ। 44 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସର କେତେ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 1 ତାରିଖ। 45 ନମ୍ବର, ପେନସିଲିୟମରେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନର ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପେନସିଲିୟମର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନର ଏକକଟା ହେଉଛି ଅଚଳ ରେଣୁ। 46 ନମ୍ବର, ଏଡ୍ସର ଖଳନାୟକ ଭୂତାଣୁର ନାମ କ'ଣ? HIV। 47 ନମ୍ବର, ମିଓସିସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ କେତୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଜାତ ହୁଏ? 4। ଟାନ୍ସଲେ 1935 ମସିହାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଇକୋସିଷ୍ଟମ। 49, ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ? 640। 50 ନମ୍ବର, ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି? ସର୍ବଭୋଜୀ। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ବଭୋଜୀ।